हेलो यार, कैसे हो आप लोग? आई होप सो एवरीवन इज गुड। पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रही है। एक स्मॉल मैसेज आप लोगों के लिए गाइज, यार दिस इज द वेरी हाई टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल टाइम है हमारे लिए। एग्जाम बहुत पास में है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। इस टाइम पे होता है यार, बहुत बार ऐसा होता है कि वी फील कि सर टेंशन आ रहा है, सर पढ़ाई नहीं हो रही है, सर ये रह गया वो रह गया। गाइज यार, मैं इतना कहूँगा कि अभी जो बचा हुआ है ना, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो। सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो। जितना आपको अच्छे तरीके से आता है उसको और अच्छे तरीके से कर लो, एकदम बेस्ट तरीके से उसको कंप्लीट कर दीजिए, है ना। अभी आप एग्जाम ओरिएंटेड जाइएगा, जहाँ पे मार्क्स ज़्यादा है, जो सिलेबस का आपको पोर्शन आपको जो लग रहा है कि जैसे कंप्लीट लो में पार्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए एंड पेपर वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। कुछ अगर ऐसा आपको लग रहा है कि 5-10 मार्क्स का पेपर ऊपर नीचे हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज द प्रोफेशनल एग्जाम। एक दो क्वेश्चन के लिए बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, बट बाकी ओवरऑल मेहनत करिए तो रिजल्ट आएगा। सो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखिए और बहुत शिद्दत के साथ आपको एग्जाम देनी है। अच्छा, एग्जाम के थ्योरी पेपर में खासकर कुछ सिंपल चीजें हैं, जैसे कि आपको पेपर 100% कंप्लीट करना है। पेपर अगर आप 100% लिख के आओगे ना, तो बिलीव मी और नॉट, आप का पासिंग का तो मुझे लगा श्योर हो जाएगा कि आप पास तो ही जाओगे। एटलीस्ट यू कैन 40-50 तो आप स्कोर कर ही पाओगे अगर 100% का पेपर आपने अटेम्प्ट किया है। तो पहली चीज हमें फोकस करनी है कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है 100%। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो गलत है वो नहीं लिखना है। जैसे सेक्शन आपको कुछ, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस सेक्शन ना, उसको मेंशन मत करिए, उसको मेंशन मत करिए। आप नॉर्मल क्या कर लीजिए, आंसर लिख लीजिए। अच्छा, थर्ड वन, यहाँ पे कोई आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं हो रहा है, आपका टेस्ट नॉलेज का हो रहा है, तो ऑलवेज फोकस कि एक अच्छे सिंपल लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखोगे ज्यादा बेटर होगा। केस स्टडी कैसे लिखना है ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है। आज मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ गाइस, बस लग जाओ अच्छी तरीके से। जो ये बहुत हाई टाइम है, मतलब इस टाइम पे एंड में जितना आप अच्छी तरीके से करोगे ना, मतलब एक बार और रिविजन करने की कोशिश करो। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि थोड़ा वीक है उसको दो बार और पढ़ने की कोशिश करो, समरी से पढ़ने की कोशिश करो। मेन नोट्स रिविजन वगैरह से अभी करने की आवश्यकता नहीं है, जितना हो सके उतना समरी और कंसाइज करके करिए। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अपने आप पर भरोसा रखिए एंड पढ़ते जाइए। व्हाट्सअप इंस्टा वगैरह पे अभी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा। सो विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट यारा, एंड डू वेल इन द एग्ज़ाम। बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, है ना। कोई डरने की बिल्कुल मतलब जरूरत नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखिएगा। एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे, हमने इतने साल भर मेहनत की है तो एग्ज़ाम 101% आपके अच्छे जाएंगे। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।